हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 9 बज रहे हैं, 9 से ऊपर हो रहा है शायद टाइम। भोग लगाने के लिए हलवा बनाया है थोड़ा सा, तो हलवा बन चुका है, बस उसमें ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। गाइस, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो गाइस, आज है मेरा बर्थडे, 26th of August। तो गाइज, आज है बर्थडे, तो अभी ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है हमारे, बिकॉज़ आप लोग सिचुएशन तो जानते ही हैं। लेकिन बड़ी वाली दीदी की फैमिली उनको बुलाया है। अब देखो, जीजा जी के टाइम होगा अगर जीजा जी के पास, तो वो आएंगे, नहीं तो शायद सिर्फ बच्चे और दीदी आएंगे। और गाइज, इस वाले घर में हम लोग नहीं करेंगे बर्थडे, नए वाले में करेंगे। तो उसमें एक आधा जो भी रूम है ना, वो थोड़ा सोचा है कि क्लीन वगैरह करा के उसी को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेंगे। तो गाइज, अभी टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 9:30 के करीब, अभी नहा के आई हूँ मैं। तो चलिए, पहले मम्मी का आशीर्वाद ले लेते हैं। पापा का तो नहीं ले सकते अभी फ़िलहाल, क्योंकि पापा उस वाले घर पे गए हुए हैं, तो वो जब आएंगे तब उनका आशीर्वाद ले लेंगे। अभी फ़िलहाल मम्मी का लेते हैं। और दूसरी चीज़, जो भी प्लान मैंने सेट किया आज का, जो प्रिपरेशन आज होगी, वो मैं आज के व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हैप्पी बर्थडे करना है मुझे, कैमरे पर करो आके जल्दी। बनाना फिनिश नहीं किया अभी तक। एक और खा रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आओ जल्दी फटाफट। हेलो हाय करो, आओ जल्दी। हाय। बनाना खाते खाते चलो जाओ। चलिए गाइस, चलते हैं बाहर मम्मी के पास, उसके बाद बहुत सारे काम भी करने हैं हमको। मम्मी आशीर्वाद दीजिए। गाइज, मम्मी ने भोग लगा दिया है हलवे का भगवान जी को, और कवर कर देती हैं जिससे वो खा लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था और आप लोग को पता भी होगा कि भगवान खुले में नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रख के भोग का वो कुछ भी और कवर करना चाहिए। तो हलवे का भोग लगाया था भगवान जी को, और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। देखते हैं क्या बना सकते हैं, क्योंकि पापा को तो भूख लगती है बहुत ज़्यादा, तो चलते हैं किचन में। गाइज, आज सोचा कि ब्रेकफास्ट में मैगी ही बना लेती हूँ, क्योंकि पापा ने मना कर दिया, बोला डायरेक्ट लंच करूँगा, और हस्बैंड के लिए हलवा बन ही चुका है तो वो वही खा लेंगे। बहुत करते हो, थोड़ी कम बात किया करो डीनो। मम्मा आप जानती, वैसे मेरे से ज्यादा बात तो कर भी नहीं पाओगे। मम्मा आप जानती हो क्या, इसमें जो बर्तन था ना जिसमें बना था, उसमें उसे मैंने सिक्स में डाल दिया, और उसमें ब्लू बकेट थी, मैंने जैसे उसमें डाला मुझे डर लगा ये धुआं निकलेगा। अच्छा, ठीक है, हाथ लगा लिया करो खाने से, नीचे नीचे हाथ लगाते हैं। गुड बॉयज, कैसी लग रही है? यम्मी, वेरी टेस्टी। ठीक है, हैप्पी बर्थडे मम्मा। अच्छा, मैगी बना दी तो विश कर रहे हो अब? आज आपका, वैसे तो मेरी प्यारू रात को ही विश कर रही थी, मेरी गुड बॉय। गाइस, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मतलब न्यू आगरा मार्केट, और मेरे को इतनी सुबह से हिचकियां आ रही है। हिच हिच कौन जेड़ा सीनू याद कर रहा सी, पता नहीं इतनी हिचके आ रही है, पानी पी पी के मेरी हालत खराब हो रही है, लेकिन यादें नहीं खत्म हो रही अभी तक। तो गाइस, असी जा रहे हैं अपने लिए कुछ कपड़े कुपड़े लेने। मम्मी ने कहा कि आज बर्थडे है, नए कपड़े लेके आओ, नए कपड़े लेके आओ। तो असी जा रहे हैं न्यू आगरा मार्केट, देखते हैं कुछ अगर पसंद आ गया तो ले लेंगे। और हेलो हाय कुछ करेंगे आप? हेलो, गाड़ी निकाला, मुझे तो हिचकियाँ आ रही है बड़ी बुरी सच में, रोड इतनी खराब है। और गाइस, आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि फुल डे बिजी रहने का मामला है, क्योंकि नॉर्मल डेज होते हैं तो कुछ नहीं, बाहर होटलों में चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, तैयार होके जाना है बस। और या फिर नॉर्मल, उसमें क्या है ना, तुम अगर घर में कर भी रहे हो तो भी तुम उसके लिए बाहर से ही खाना पीने का इंतजाम कर लो, हो जाता है काम। पर अभी कोरोना के टाइम पे सब खुद ही करना है, तो मुझे अभी कुकिंग भी करनी है ऊपर से। अब मैं शॉपिंग के लिए नहीं सकते, कुछ नहीं। हाँ, ऊपर से शॉपिंग भी करने अभी मेरे को जाना है, क्योंकि इन लोगों लेट कर दिया बहुत ज्यादा। अरे सुबह से यार, ये टाइम क्या हो रहा है? 4:05 चार बज गए। सोचो मुझे इतने टाइम मुझे खाने पीने में लगना था, मैं सुबह 11 बजे का निकला हुआ हूँ। चलिए गाइस, चलते हैं जरा मार्केटिंग कर लेते हैं। गाइस, हमारे उतरने का हो गया है टाइम, तो हमने अपना ये जो मुकुट है पहन लिया है, क्योंकि बस वही है कि आज मुझे बड़ा खराब लग रहा है, मैचिंग नहीं है ड्रेस के साथ। उस दिन जब पहना था ना, जब बिग बाजार गए थे, तब मैचिंग था।
तो गैस गैस अब हम जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं कुछ लेते हैं बढ़िया सा। चलो हमारे साथ। मार्केट वगैरह कवर कर फेस मास्क, ये तेरा मास्क है। इस मास्क में दम घुटता है। कलर थोड़े ब्राइट दिखाई, सारे ब्राइट ही ब्राइट ही है जी। ये पैटर्न बहुत प्यारा है, दिखाया आगे से शॉट पीछे से। बता देना उन्हें डार्क कलर चाहिए। डार्क कलर दिखाइए जैसे मेरी भी दिखाई। देखिए कितना रश है। आ जाओ चलो। गाइस ज्यादा कुछ लेना नहीं था, थोड़ा बहुत लेना था जो वो ले लिया है, और अपने लिए एक जोड़ी कपड़े ले लिए हैं। मम्मी ने कहा लेके आओ तो ले आए हैं, क्योंकि अभी बड़ी वाली दीदी साथ में होती तो वो अच्छी जगह लेके भी जाती, उनको जानकारी आगरा में काफ़ी। मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं, ऊपर से इतनी भरी दोपहर हो रही है, तो ले लिए हैं कपड़े मैंने, दिखाऊंगी लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी, रात को पहनूंगी तभी देखना। तो गैस चलिए वापस घर चलते हैं, घर जाके मुझे खाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि जो खाना बनाना है वो मैं ही बनाऊंगी, मम्मी तो नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो मम्मी का टेस्ट और मेरे टेस्ट में अंतर है काफ़ी। तो ऐसे टाइम पे मैं ही बनाती हूँ ज़्यादातर, चाहे मैं कितनी बिजी हूँ फिर भी मैं ही बनाती हूँ। तो अपन जाएंगे और तुरंत काम में लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा थकान मतलब मुझे हो रही है, बर्थडे की प्रिपरेशन इतनी हावी पड़ रही है। चलिए गाइस चलते हैं घर, हस्बैंड दरअसल गए हैं अभी कुछ नमकीन वगैरह लेने गए हुए हैं, मेरी फेवरेट नमकीन ख़त्म हो गई थी और कुछ और चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी वही लेने गए हैं, आ रहे होंगे। और गाइस आज मैंने बाल भी नहीं बनाए, ऐसे हो रहे हैं मेरे बाल, गर्मी भी लग रही है बहुत ज़्यादा, हालांकि एसी चला दिया उन्होंने बट फिर भी बहुत गर्मी लग रही, क्योंकि वातावरण में इतनी गर्मी है ना लिटरली। मार्केट में खचाखच भरा है मामला, मेरे को दरअसल ना मास्क उतारना पड़ा, मेरा दम घुट रहा था, मुझे एकदम ऐसा वॉमिटिंग वाला फील आया तो मैंने उतार दिया। फिर इन्होंने बोला कि सिर्फ दुपट्टा रख ले, तो जहाँ पे देखा कि कोई है नहीं ज़्यादा पास मेरे खड़ा, तो फिर नहीं रखा मुँह पे, नहीं तो फिर मुँह पे रख रख के काम चला डाला। वैसे भी ज़्यादा तक रुकी भी नहीं मैं वहाँ पे, मुश्किल से आए हुए कितना 20 मिनट तो हुए मुझे, शॉपिंग शॉपिंग हो गई है, अब जा रहे हैं वापस घर, हस्बैंड भी आने वाले हैं। चलिए गाइस चलते हैं घर वापस।
आज सुबह ही दरअसल हम लोगों ने केक का ऑर्डर दिया था, तो केक रेडी हो चुका है। तो हस्बैंड गए हैं उठाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा अभी ले लो, टाइम नहीं है बाद में। और गैस कैमरा नीचे जानबूझ के किया हुआ मैंने, वरना दुनिया क्या सोचेगी, यहाँ बिल्कुल बगल ही बगल में लोग गुजर रहे हैं और सामने दो केले वाले भी बैठे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कैमरा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी उनको लग सकता है, नीचे करेंगे ना। तो गैस हस्बैंड गए हैं केक उठाने के लिए और हम अभी कार में बैठे हुए हैं। तो हमने कहा जरा आप लोगों की अपडेट दे दी, क्योंकि मेरी आदत है छोटी छोटी अपडेट देने की। पार्टी पूपर लाए, मिल गया, चलो। बड़ा टाइम लग गया, टाइम क्या रश है ना, चल 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 इधर पार्क करने में। और क्या लेना था जेड़ा? कुछ है नहीं चाहिदा है, कुछ भी नहीं चाहिदा है। अब इतनी हड़बड़ी हो गई है ना, मतलब सारे मेरे प्लान सब चौपट हो गए। मैंने सोचा था सब टाइम से हो जाएगा, तो 5, 5:30, 6 बजे तक देखो खाना भी बना दूंगी, बस रात में उसको गर्म करने का काम रह जाएगा, और गर्म गर्म जो तलना होता है वो सब तो उसी समय कर लेंगे, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, बट सब्जी एटलीस्ट रेडी हो जाएगी। हुआ क्या, अब आज ये घर का इतना इम्पोर्टेंट है, लोग कुछ काम करना था, मेरा सब टाइम बर्बाद हो गया। अभी मिठाई लेनी है, अब मिठाई ले लो, केक तो उठा लिया हम लोगों ने, अब मिठाई, अब सोचो मेरे को घर जाए खाना बनाऊं कि बलून वगैरह ये सब करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब हो जाएगा, मत परेशान हो, सोचो, जबकि मैंने सिर्फ दीदी जीजा जी को बुलाया कोरोना की वजह से, और भी अगर किसी को इन्विटेशन देता तो भगवान जाने मेरा क्या होता, मेरी बुरी बेइज्जती हो जाती। कहाँ से लेना है ये दाऊ जी से? और कुछ चाहिए? हाय हाय वो समोसे मर गए, व्हाट समोसा? अच्छे मन भर गया है क्या? मुझे कह रहे हैं कि तुझे चाहिए क्या, मतलब इनका मन भर गया मुझसे, अब मेरे साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, चाह रहे हैं हम कोरोना में निकल लें, बट मन बड़ा कर रहा सी समोसों का, बहुत मन कर रहा सी, सामने पाव भाजी और पता नहीं क्या क्या इतना सब कुछ रखा हुआ, दिमाग खराब हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को कुछ डिलीशियस सा रखा हुआ है वहाँ पे। हाय मर जावा, कब ये कोरोना खत्म होगा रे, मार दिया बिल्कुल ही। कैसे अपनी जीप पे मैंने कंट्रोल रखा हुआ है मुझे ही पता है, पतिदेव खड़े हैं कि नहीं दिख ही नहीं रहे कहीं, हैं कहाँ पे ये, मुझे तो ऐसे तो नज़र आ रहे हैं बट कैमरे में नज़र नहीं आ रहे। आ गए नज़र, ये आ रहे, ये आ रहे, मिठाई है क्या लेके आ रहे हैं पता नहीं। गाइस मिठाई भी आ चुकी है, केक मेल्ट तो नहीं होगा ना? व्हाट, केक मेल्ट तो होगा नहीं? अरे जाके सीधा फ्रिज में रख देना उठा के। गाइस मेरे सामने एक लड़की बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रही है और मैं बस यूं देख रहा हूं। यार लोगों को जरा भी डर नहीं है यार, हद है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खुले हम मार्केट में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मिठाई आप जो लेके आए आपको डर नहीं है? मिठाई तो फिर भी रखी रहेगी ना, कुछ टाइम तक रख के खाएंगे, मिठाई तो फिर भी फ्रिज में रखी थी और रख के खाएंगे, ये तो फ्रेश। चलिए गैस अब चलते हैं घर, चल के बहुत सारी तैयारी करनी है, खाना पीना बनाना है और थोड़ा ये बलून गलून भी लगानी है, मतलब थोड़ा बहुत सजावट करनी है। अपने बर्थडे पे खुद ही बलून गलून लगाओ। गैस घर पे पहुंचते ही सीधा किचन में लग गई हूँ छोले बनाने के लिए, तो सब खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ये सब डाल डुल के सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, और थोड़ा सा डाल दिया इसमें, लगभग 2 टेबलस्पून डाल दिया था छोले मसाला एवरेस्ट का। अब उसको अच्छे से मिला रही हूँ, अच्छे से भून रहे हैं इसका मसाला, और मसाला अच्छे से लगभग भुनने वाला है, लगभग 30 मिनट मैंने भूनने के बाद, मतलब अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें छोले डाल दिए हैं, और पानी डाल दिया इतना जितने में वो डूब जाए, और नमक वमक सब डाल के उसे कर दिया है कवर फॉर 15 मिनट्स, और हमारे छोले इज़ रेडी। और गैस एक तरफ मैंने डो भी लगा लिया है, क्योंकि भटूरे बनाने थे तो मैदा का डो लगा रही हूँ। गैस चाय नाश्ता कर लीजिए, और छोले अपने थोड़ा टेस्ट के लिए लाई हूँ मैं, ताकि नमक पता कर सकूँ, बाकी चाय आप लोग पी लीजिए। गैस हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, मतलब छोले रेडी हो गए हैं और चावल बनाना रह गया है, बाकी उसका डो लगा दिया है मैंने, उसका मैदे वाला भटूरे के लिए, बाकी सैलेड हम लोग एंड में ही काटेंगे, बिल्कुल लास्ट में रात को ही, अभी फिलहाल थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बैठ के चाय पी रहे, मम्मी ने टेस्टी से चाय बना दी, चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे उस वाले घर पे सीधा, क्योंकि वहाँ जाके थोड़ी सी डेकोरेशन भी करनी है, मेरा हैप्पी बर्थडे वाला ये सब लगाना है थोड़ा सा,
तो डायरेक्ट वहीं मिलते हैं, थोड़ी हेल्प करा लेना मेरी, खुलाने का काम करो जल्दी जल्दी। हाँ नहीं जल्दी करो, लेट हो रहा है बहुत, 7:30 से ऊपर हो गया है टाइम। कैमरे में हेलो करो दोनों लोग। हम लोग नए वाले घर में आ गए और ये वाला रूम है ना जो, ये बिल्कुल रेडी है, तो इसी में इस वाले वॉल पे ना हम लोग अपना हैप्पी बर्थडे वगैरह वो सब लगाएंगे। चिल्ला मत। ऐसा ही तो होता है, और कैसा होता है। बलून अभी पहले तो यही डालते रहो। नॉट हियर मा, ऑन टू दिस वॉल। हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ फोटोज वगैरह भी ठीक आ जाएंगे। यही ठीक है। गाइज हमारी तैयारियाँ चल रही हैं, बर्थडे की सब प्रिपरेशन चल रही है। डेकोरेशन के लिए अभी हम लोग कृष्णा हनी को लेके आए, मतलब हम लोग नहीं, मतलब मैं तो घर पे काम वगैरह कर रही थी, हस्बैंड को मैंने भेजा था कि मैंने कहा दीदी बाद में आएंगी जीजा जी के साथ, बच्चों को ले आओ जाके, तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और वो थोड़ा ज़्यादा इंजॉय कर लेंगे। बस करो भैया, कर रहा है ना, आप मत करो, टूट गया क्या। एक काम करो कृष्णा, तुम करो, तुम हनी पकड़ो, तुम पकड़ो हनी, कृष्णा करे। देख रहे हैं पसीना पसीना हो रहे हैं हम लोग, बलून फुलाने में पूरी ताकत लग रही है पूरी, और ऊपर से यहाँ गूंज रहा है सब कुछ, तो एकदम बोलने में भी वो अजीब सा लग रहा है, मैं हो रही है। तुम लोग थोड़ा धीरे बोलो या चीख, हम चीख हो रही है, ऊपर से जैसे ही बलून फूट रहा है ना ऐसा लग रहा है गोली चल रही है। थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो हम लोग कर रहे हैं। वाह जीरो, व्हाट इज दिस, ये क्या बचटियों की तरह लगाया है तुमने, ये बा बिगड़ रहा है बा। हाँ ठीक है, बचकानी हरकतें। मम्मी मैं जा रहा हूँ तैयार होने, मम्मी मैं जा रहा हूँ तैयार होने। अरे भाई कौन आ गया है, ये कौन आ गया है, आशीर्वाद दीजिए। अब बर्थडे बर्थडे कुछ विश करेंगे आप हमको? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, हम तो मरे जा रहे थे बिल्कुल आपके विश के लिए। अरे हम रात को कि ऐसा विश पिला दीजिए हमें कि बस, हम तो रात को करने वाले थे। फिर हाँ अच्छा, नहीं वैसे मैं सोया नहीं था। ये वाला ब्लॉग मैं कर रही यहीं पे एंड, बहुत लंबा हो रहा है, मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। बाय कर दीजिए सबसे जल्दी, बाय करो। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, यही सेम इंसान फिर मिलेंगे, पर इस ब्लॉग के लिए यही यही पे एंड कर देते हैं। बाय करो फटाफट, बाय बाय।